हेलो व्हाट्स अप। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज नहीं जिम, ना ही किसी को हम रिएक्ट करेंगे, ना कुछ करेंगे। आज हम बहुत अलग चीज़ करेंगे जो मैंने आज तक अपने चैनल पर नहीं करी। वो है मेरे फॉलोअर्स का सबसे गंदा, सबसे डार्क, सबसे डीप सीक्रेट को हम करेंगे रिएक्ट। ओके सो यार, आज ना एक्चुअली मेरा रेस्ट डे था, मतलब कि मेरा ना जिम जाने का मन कर रहा था, ना मेरा कुछ करने का मन कर रहा था। मैंने कहा आज ये कर, ठीक है। सो भाई देखो, तुम सबको पता होगा कि मतलब कैसे कैसे आएंगे, तुम्हें पता है मेरा बाप ये, मेरा ट्यूशन टीचर, मेरा तुम्हें पता है, ठीक है। तो फिर भी कर लेते हैं, क्या जा रहा है ना। सो स्टार्ट करते हैं पहले सीक्रेट से। वेट, नाम वाम मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ वो डाल दूंगा यहाँ पर स्टिकर। ओके, नाम नहीं है, प्राइवेसी। ओके, पहला, मेक आउट विद माई कजन वॉज फन फॉर रियल। कुछ रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों को पवित्र रखते हैं, उन रिश्तों में सब चीज़ें नहीं डालते। सो मेरा भाई मानना यही है कि क्यों घिननी आती यहाँ, एक बार जब भीगे होते तेरे थॉट नहीं आएगा कि स्टॉप, नहीं बहन है, भाई है, कुछ ऐसा। सो मेरी तरफ से तो भाई एंटर्ड इन टू लेडीज वॉशरूम जस्ट बिकॉज मुझे डेयर मिला था। देख, अगर वो खाली होगा उस समय तो कोई दिक्कत नहीं, डेयर है भाई, मैं समझ सकता हूँ, मेरे को भी बहुत फालतू डेयर मिलते हैं। बट अगर वो भरा होगा, मैं समझ सकता हूँ भाई तेरे के चार्टे पड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं। I had my first kiss when I was 13 with a boy who was 4 years older than me. जब ये 13 की होगी, 4 साल बड़ा, 17 13 साल में first kiss, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, मतलब जल्दी यार, मतलब ठीक है, अब मॉडर्न वर्ल्ड क्या कर सकते हैं। I was sexually harassed and still no one knows about it. आपको ये यहाँ लिखने की बजाय आपको पुलिस थाने जाना चाहिए, आपको वहाँ ये अपनी FIR दर्ज करानी चाहिए, या फिर वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे आपको कांटेक्ट करना चाहिए, ना कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे बताओ ये, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं जानता, मेरी फैमिली को नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि आपको किसने हैरेस किया है। सो आपकी हेल्प कौन करेगा, वुमेन हेल्पलाइन नंबर। ओके सो वो मैंने गलती से 6-7 की उम्र में फोन दे दिया था। अबे गलती नहीं थी, और ठीक है चल, चंट चंट बन रहा, चल हट, झूठा। हाँ ओके नेक्स्ट, साइकिल की चाबी एक्टिवा पे लगाकर गाड़ी चलाते थे। साइकिल की चाबी एक्टिवा पे लगा के गाड़ी चलाते थे, यार ये कोई डीपेस आके सीख ना, फालतू में वेस्ट कर दिया। कुछ अब अच्छे देखते हैं, मस्त वाले। माय एक्स चीटेड ऑन मी बट द गर्ल जिसके साथ ही चीटेड वॉज चीटिंग ऑन माई एक्स विद मी। चीटेड ऑन मी मतलब मेरा जो एक्स था उस समय पर चीट किया था, बट द गर्ल जिसका मतलब जिसके साथ चीट किया था वॉज चीटिंग ऑन माई एक्स विद मी। एक मिनट, ए बी दोनों रिलेशनशिप में, ठीक है, बी ने ए पे चीट किया, ठीक है, बट जिसके साथ चीट किया वो इस ए के साथ ऑलरेडी बी पे चीट कर दी थी। भाई मेरा दिमाग खुल गया, मेरा दिमाग ऐसे खुला आज। मैस्टरबेटेड वाइल रीडिंग संस्कृत बुक। यार ये मैं इस पर क्या रिएक्ट करूँ, तुम्हें खुद में शर्म आनी चाहिए। कुछ चीज़ों को प्लीज, मैंने जैसे पहले कहा था, कुछ चीज़ों को पवित्र ही रहने दो, अच्छा रहता है, ये अच्छा नहीं था, मुझे ना बहुत बेकार था। मेरे ग्रैंडपा 8,000 का लैंड बेच दिए इन 90s, बट आज वो लैंड 5 करोड़ का है। अबे भाई सुनिए, घर घर की कहानी है, देखो डीपर जाके सीक्रेट नहीं है, ये जनरल अवेयरनेस है, ये भाई सबके घर में होता है, सबके घर में। मैं बताता हूँ मेरी भी कहानी है। मेरे पापा को 2011 में 1,00,000 के 100 बिटकॉइन मिल रहे थे, पापा को लगा फ्रॉड है। अब तुम्हें रेस्ट इज हिस्ट्री, तुम्हें पता है बिटकॉइन का रेट होता ही है, हमारे घर वाले ना कर देते हैं। नेक्स्ट, आई एम अ बॉय, गुड, एंड आई हैव सक्ड माय कजन ब्रदर्स डिक, ही इज मैरिड नाउ बट स्टिल रेडी। यस गाइस,
मेरा तो जी खट्टा हो गया है पढ़ के। क्या क्या चल रहा है? छी पे कजन लड़का डी छी भाई ये तेरा हो यार, शर्म कर भाई तू, हट दिमाग खराब कर दिया यार। नेक्स्ट पढ़ते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड कॉल मी मेरी जान हैप्पी बर्थडे एंड मेरे बॉयफ्रेंड को अभी तक नहीं पता। बता दे मेरी मान, बता दे, कभी और पता लग गया ना, ठीक है, फिर बाद में और लड़ाई झगड़े, फिर बाद में आर, तो तू बता दे उसे, ठीक रहेगा ना? मतलब क्या दिक्कत है? वो थोड़ा गुस्सा कर देगा, वो तेरे को समझा देगा यार, ठीक तरीका नहीं होता कि मतलब अच्छा नहीं लगता कि यार मेरी जो गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है उसे से मैं ही बोलूँ सब वर्ड, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा बूबा, सूना, मेरी जान, है ना? तो बता दे, थोड़ा गुस्सा करेगा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भाई सब पसीना आवे पढ़ के। आई फक माय नेबर्स डॉटर मेनी टाइम एट द एज ऑफ 10। भाई चल भाई, ये झूठ होते हैं। मुझे ना ऐसा लगता है कुछ लोग तो झूठ बोल देते हैं। 10, अबे जो लॉ लू होता है ना, तो वो 10 में नहीं हो पाएगा भाई। छी कुछ भी लिखते हैं भाई सिर्फ फीचर होने के लिए, गलत बात है, नहीं, वेरी बैड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई लव माई कजन सिंस 8th स्टैंडर्ड एंड आई वॉन्ट टू कन्फेस हर। मत करियो भाई, मत करियो, मुझे तुम्हारा ये लोचा समझ नहीं आ रहा। कजन रिश्तेदार परिवार फैमिली, लेट इट बी, फैमिली को फैमिली रखो, बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड रखो, गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड रखो, माँ को माँ रखो, बाप को बाप रखो, रिश्ते बनाए हैं भगवान ने, बनाए हैं हम सब ने बनाए हैं, उनको वैसे रखो ना, इनको तोड़ो मत ना प्लीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गलती से पैंट में सुसु करना। मैंने आज तक सुसु नहीं करा गलती से, मैंने आज तक नहीं करा, एक बार करा था सिर्फ एक बार करा था, वो मैं उसकी स्टोरी बताऊंगा, बहुत तगड़ी स्टोरी है उसकी। मैं लातों से पिटा था, रो रहा था मम्मी से, ठीक है, सो या हैपेंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नॉट टेकिंग बाथ फॉर अ वीक और टू वीक्स, आलसी लोग है यार। मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं एक बार 2 महीने नहीं आया था, या मेरे लिए जो एक्सीडेंट हुआ था, देखो मेरा तो वो है ऑब्वियस, है ना? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई हैव सक्ड माय स्ट्रेट फ्रेंड्स डिक। ठीक है भाई, बढ़िया है, बचपन में लॉलीपॉप, बड़े होके ये, तुम्हें तो भाई शर्म ही नहीं है, मतलब माँ बाप तुम्हें सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, सब अब सबकी अपनी चॉइस भाई, सब बड़े हो चुके हैं, है ना? नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई स्लेप्ट विद माय मेल प्रोफेसर फॉर अ नाइट। मार्क्स चाहिए थे प्याली को, मार्क्स चाहिए थे भाई, सही है भाई, मतलब कुछ भी करते हो तुम लोग, मतलब मार्क्स के लिए करोगे अब। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बंदी से ब्रेकअप करने के लिए बहाना ढूंढ रहा हूँ, बहाना ड्रंक कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ लिखा होगा, बंदी से ब्रेकअप करने के लिए, ब्रो उसे मुंह पे बोल दे, उसे मुंह पे बोल दे कि आई वॉन्ट ब्रेकअप, या तो वो गुस्सा होगी या तो वो कर ही लेगी, लेकिन तू बहाना ढूंढेगा, वो बहाना बाद में जाके फिर वो खुलेगा, तो यू नो कलेश, कलेश को अवॉइड क्या करो, मेरी मानो कलेश को अवॉइड करो, जितना कलेश को अवॉइड करोगे उतना फायदा तुम्हारे जीवन में, लिखवा लो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेरे अभी 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, घर वालों को बोला है कि बास्केटबॉल खेलते खेलते गिर गया था। हाँ, मेरे दोस्त का भी एक्सीडेंट हुआ था, तुमने अगर मेरा ब्लॉग देखा हो, वो डांट पड़ती है, मतलब कुछ भी हो वो लोग यही बोलेंगे तुम्हारी गलती होगी, है ना? तो सही किया तुमने, अगर कभी मेजर हो तो भाई बता दोगे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन छोटी मोटी खरोच आई हो तो बहाने मार दे कर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेरे टट्टी स्लैश पॉटी जैसे भाई की बंदी है। भाई देख, पार्टनर होना आज के डेट में किस्मत का खेल है, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम छोटे हो, तुम लंबे हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, कुछ मैटर नहीं करता, किस्मत है तो भाई आज की डेट में तुम्हारा पार्टनर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई हैव 3 रिलेशनशिप एट द एज ऑफ 12। मतलब है कोई, मेरे दोस्त 19 साल के सिंगल है, मेरे दोस्त है 17 साल सिंगल था, 18 साल की उम्र में एक बंदी बनी, छोड़ के चली गई 1 महीने में, ये भाई साहब 12 साल की उम्र में 3, चल मैं नहीं मानता, 3 12 साल की उम्र में 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा होगा ये। मैंने ट्रेंड्स में मैस्टरबेट किया था, मैं वो वर्ड नहीं बोल रहा, रियली आई एम सीरियस। बेसिकली जिसे कॉन्टेक्स्ट में पता, ट्रेंड्स एक कपड़ों का स्टोर है,
उसके वॉश उसके ट्रायल रूम में भाई साहब ने अपना ये मचाया होगा। क्यों? मान लो तू कर रहा है, कोई आ जाए भाई, वो ये सोचेगा ये बंदा कपड़े क्यों चेंज कर रहा है यहाँ पे, और ऐसे करना ही है तो घर पे करे अपने। भाई कितने गलत गलत आते हैं भाई, मतलब भाई मेरे नहीं ऐसे सीक्रेट, मेरा मैक्स टू मैक्स ये सीक्रेट होगा कि भाई कुछ छोटे मतलब 8-9 साल की उम्र में गलती से मम्मी मार रही थी, सुसु निकल गया, या तो था ये कि मम्मी एक दिन मुझे इतना डांट रही थी मैं सो गया। भाई मैक्स है मेरे डीपेस्ट डार्क सीक्रेट है इनके, तो भाई भाई से किसी भाई का चुपा मेरा लुना मेरा ये यार इन्होंने रिश्ते ऐसे कर दिए भाई मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आते ये डीपेस्ट डार्क सीक्रेट के जो भी होता है ये कॉन्सेप्ट, बट मेरा मन था एक बार मेरे को भी ना रिएक्ट करना था, मैंने कर दिया। एंड मुझे बताना ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो मैं लगाऊंगा, एंड अब चैलेंजेस भी आएंगे, रोज वीडियोस आ रही है, तुम सपोर्ट दिखा रहे हो मुझे अच्छा लग रहा है, चाहे अभी 700 व्यूज आ रहे हो वीडियो पे, भाई बहुत है, लेजिट बहुत है, अभी 700 आ रहे हैं, एक दिन 7 मिलियन भी आएंगे, सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड यस मिलते हैं जल्दी, एंड बाय बाय।